अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बॉर्डर पर्ल क्रीम, नाइट क्रीम। कौन सी अच्छी लगेगी आपके फेस पे, कौन सा आपको फेयर कलर देगी, तो आप इसको देख सकते हैं गोल्डन पर्ल क्रीम को जी। ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वाइट भी करती है, मौसमी असरात से भी बचाती है, कोई भी मेकअप का जो मिजर असरात होते हैं इनसे आपको बचाती है। लेकिन ये सारी इसकी खूबियाँ हो गई, ठीक है, जो कि आप लोगों ने खुद पढ़ ली। अभी दूसरी दिखाती हूँ आपको, झलक क्रीम। झलक क्रीम आप अच्छे से देख लें, इसका कलर मतलब रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा है। इसकी पहचान ये है कि इसमें मोर लगी होती है इसकी कंपनी की, और इसके अलावा ये 250 रुपये की मिलती है, और इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत बहुत अच्छा है। इसका रिज़ल्ट ये फेक नहीं है, मीन्स कि जब आप इसको खोलते हैं तो इसके ऊपर, अगर तो क्रीम के ऊपर पानी सा लगा होता है, ढक्कन के बाहर आया होता है, वो समझना एक्सपायर हो गई है। लेकिन अगर जब आप ढक्कन को खोलते हैं, मैं आपको उसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर हल्के हल्के से दाने से फील हों आप लोगों को, तो समझ लें कि ये जो है दो नंबर नहीं है, ब्रांडेड है और अच्छी है जी। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ी सी जो थी निकाली थी वाइटनिंग क्रीम फॉर्मूला बनाने के लिए। ये देखें, इसमें छोटे छोटे दाने ज़ाहिर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, कोई भी दो नंबर क्रीम नहीं है जी। तो आप इसकी बैक साइड पे भी देख सकते हैं झलक क्रीम लिखा हुआ है, झलक ब्यूटी क्रीम जी। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि झलक ब्यूटी क्रीम की पहचान क्या है, असल कैसी होती है, दो नंबर कैसी होती है। सो अभी मैं आप लोगों को संदल क्रीम ब्लीच के बारे में थोड़ी बताना चाह रही हूँ कि संदल क्रीम ब्लीच जो है न्यू है कंपनी में, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भी 10 रुपये में आपको मिल जाएगी, या आप जो है अपने 100 फीट पे कर लगा सकते हैं। इसमें एलोवेरा जेल जो है मिक्स है, इसके अलावा जो है काश्मीरी का पाउडर वगैरह मिक्स है, तो इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा है। इसका भी रिजल्ट है, आप इसका क्रीमी पेल जो है ना दूसरी क्रीमों में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी क्रीम्स और ब्लीच के बारे में डिटेल। तो अभी मैं आप लोगों को गोल्डन पर्ल की हकीकत बताती हूँ। इनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको, और मैं भी यूज़ करती हूँ अपने वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं आप लोगों को डिब्बी खोल के दिखाती हूँ, ये क्रीम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो इसके एक तो यूज़ करने से स्किन में बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, बालों की ग्रोथ होती है गोल्डन पर्ल क्रीम से, और दूसरा होता है कि इससे रिजल्ट तो आता है, जब तक क्रीम आप लगाते रहेंगे कलर फेयर रहेगा, बाद में फिर डल हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ की एहतियात कीजिए, इसमें कांच भी होता है। ये जो मैंने फार्मूला क्रीम्स बनाई हैं इसमें क्रीम निकाल रही थी, इसमें मुझे कांच नज़र आया तो मैंने उधर ही छोड़ दिया। मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कहीं आप फेस पर ना लगा लीजिएगा, इसमें कांच भी होते हैं। ये देखें ये बहुत बड़ा कांच है, ये आप देख सकते हैं। तो और भी इसमें छोटे छोटे कांच थे जो लास्ट में थे, और एक दो डिब्बियों में पहले भी देख चुकी हूँ, सो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो आजकल जो है ये आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को क्रीम जो है ये कांच ही है जो आपको नज़र आ रहा है ना, इतना बड़ा कांच है, अगर लग जाए तो आपके इन्फेक्शन हो जाएगा फेस पे। सो आप लोग गोल्डन क्रीम लगाते वक्त एहतियात कीजिए और आराम से क्रीम लगाइएगा, इससे वैसे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो झलक क्रीम जो है इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। इसमें और भी कांच है, ये देखें, मैं अभी मतलब यहाँ से निकाल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताना मतलब चाहिए। ये देखें, ये क्रीम बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी थी तो इसमें कांच थे। तो अभी जो झलक क्रीम है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे। अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि हमें नाइट क्रीम कौन सी यूज़ करना है, सो मैं यही बोलूँगी कि आप जो है झलक क्रीम जो है वो यूज़ करें, और उसके साथ आप जो है मंथ में दो बार जो है ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग ब्लीच सॉफ्ट टच वालों की, या फिर ये संदर यूज़ कर लें, इसके साथ झलक क्रीम यूज़ करें। झलक क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करें, जस्ट आप नाइट को फेस वॉश करके और नाइट क्रीम लगाएं और सो जाएं सुबह जी। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जो है ना अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।